जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं साढ़े सारे ही अंतरिम कमेटी के मैंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने पूरे साल बहुत वधिया सहयोग के नाल वधिया सारे अपने बड़बोले विचारां दे नाल जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रबंध जिहड़ा है बड़े सुचारू ढंग नाल चलाउण दे लई अपनियां जिहड़ियां बड़बोलियां सलाहां दित्तियां पूरा सहयोग दित्ता सारिआं दा धन्नवाद। दूसरा मैं सारी प्रैस का समुचे मीडिया का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्होंने बड़ा सहयोग दित्ता। जदों भी असीं याद करदे आं जदों भी कोई गल आउणी तुसीं सारिआं ने साडा सहयोग दे के पूरा मीडिया दे विच हर गल नूं साडी नूं लै के गएओगे। इस करदा मैं सारे मीडिया का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। दूजा जिहड़ा मुख अज विशा चल रहा है वह है पाकिस्तान दे विच श्री करतारपुर साहिब दा जिथे श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज ने अपने आखिरी जिंदगी का लम्मा समा जिहड़ा उत्थे गुजारिया किरत करो का संदेश जिहड़ा दित्ता सी श्री करतारपुर की धरती तो आप हत्थी हल बाह के सारे संसार नूं दित्ता सी। और बड़े लंबे समय तो सारिया नानक नाम लेवा सिख संगतां की एक भावना सी कि श्री करतारपुर साहिब का लांघा खोलिया जाए। गुरु महाराज की गुरु नानक देव साहिब की कृपा होई तो दोनों सरकारां ने फैसला करके जिहड़ा वह लांघा खोलिया गया। बहुत सारिया सिख संगतां उत्थे जाके दर्शन करके गुरु घर दीआं खुशियां भी प्राप्त हुई। और पिछले समय तो लैके जो कोविड-19 जो आया उहदा इह लांघा जिहड़ा सी बंद पिया सी और फिर हुण दुबारा जिहड़ा पाकिस्तान वल्लों भी खोलिया गया। असीं भारत सरकार नूं भी बेनती कीती है कि जिवें होर सारे धर्म स्थान खोल दित्ते गए ने जां मॉल खोल दित्ते सिनेमे खोल दित्ते भी इह जिहड़ा श्री करतारपुर साहिब दा लांघा है ये भी तुरंत खोलिया जाए ता कि सारिया सिख संगतां नानक नाम लेवा खुले तौर पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शन दीदारे कर सकन। एक बड़े अफसोस की गल है बहुत दुख होया ये गल सुन के कि पाकिस्तान की सरकार ने श्री करतारपुर साहिब का जो उत्थे दा प्रबंध है वो अपने हत्थी लै लिया है। जो उन्हां दी कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उन्हूं दिता गया है। ये नाल सारे सिख हिरदियां दे विच बहुत ज़्यादा सट लगी है और सिख हिरदे मैं समझदा दुखी होए ने इस दे नाल क्योंकि श्री गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध जिहड़ा हमेशा सिख संगतां करदियां ने जां सिख चुनी हुई कोई संस्था करती है और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वल्लों श्री करतारपुर साहिब का पूरा प्रबंध किया जाता सी क्योंकि ये सिखां नूं ही पता हुंदा है जां प्रबंध कमेटियां नूं उत्थों दी मर्यादा दा उत्थों दे नियमां दा जिस तरह दा उत्थे करना है। जे आपां गैर सिख किसे नूं ला देंगे वह नहीं कर सकते और ना उन्हों मर्यादा दा पता हुंदा है ना वह चंगा प्रबंध कर सकते ने और जिस दे मन दे विच शरधा सत्कार हुंदी है वो ही अच्छी तरह उत्थों दा प्रबंध कर सकता है। और मैं इस गल दी सरकार दी ये जिहड़ा उन्होंने फैसला किया है उहदी घोर निंदिया भी करदा पाकिस्तान की सरकार नूं बेनती भी करदा कि ये अपने फैसले ते वो मुड़ गौर करन ताकि ये जिहड़ा प्रबंध है श्री करतारपुर साहिब दा उत्थों दी जिहड़ी पाकिस्तान गुरद्वारा प्रबंध कमेटी है उहनूं दित्ता जावे। इहदे लई असीं अज एक प्रस्ताव मता ही पाया गया है जिहड़ी अंतर कमेटी वल्लों वो मते की कापी जिहड़ी है पाकिस्तान सरकार नूं भेजी जाएगी भारत सरकार नूं भेजी जाएगी और उहनां दे नाल विशेष तौर पर भी असीं चिट्ठी है जिहड़ी वो पाकिस्तान सरकार नूं भी लिखांगे भारत सरकार नूं भी लिखांगे। सो अज एक चिट्ठी जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वल्लों जो पाकिस्तान का अंबैसडर है उहनूं दित्ती जा रही है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की चिट्ठी लैके उत्थे उन्हां नूं मिलणगे बेनती करनगे कि जिहड़ा इह फैसला बहुत मंदभागा फैसला है ये सरकार नूं तुरंत जिहड़ा है ये वापस लेना चाहिए है। दूसरा है कि असी जो सालाना साड़ी चोण होंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की अहुदेदार अंतर कमेटी वो 27 नवंबर और तेजा सिंह समुद्री हाल के सालाना चोण रखी गई है जिदे सारे अहुदेदार नवी अंतर कमेटी जी है
वह चुनी जानी है। इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल शताब्दी जी है वह 15 नवंबर को मनाउन जा रहे हैं, जिदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे प्रबंध उलीके गए ने बख बख असी बहुत चंगी तरह मनाउन दे लई सब कमेटियां भी अपनियां मैंबरां साहिबानां दियां और बना दित्तियां ने पूरे जाहो जलाल दे नाल पूरी श्रद्धा सत्कार दे नाल इह जिहड़ा 100 साल शताब्दी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मनाई जानी है। और 15 तारीख नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होणगे। 16 तारीक के दिन के दीवान रात को कवि दरबार बकायदा सारे धार्मिक दीवान सजाए जाएंगे। इस तरह मेन जिहड़ा मुख समागम होएगा वह 17 तारीक को गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे किया जाएगा, जिदे कीर्तन दरबार ढाडी दरबार भी होएगा। 12 बजे जिहड़ियां साडियां प्रमुख धार्मिक शख्सियतियां आउणगियां सारे पंजाब दे विचों वख वख थावां दे उत्तों और उन्हां दा सन्मान भी किया जाएगा, उन्हां दे विचार भी जिहड़े ने उत्थे सरवण कीते जाणगे। इस तरह चित्रकला जिहड़ी प्रदर्शनी है वह भी 13 तरीक तो लैके 17 तरीक तक लाई जाएगी, जिस पूरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतिहास है जिहड़ा वह चित्रकला दे नाल दर्शाया जाएगा। जिन्नियां महान शख्सियतां होईयां ने जिस तरह का कोई संघर्ष होया वो सारे उहदे विच दर्शाए जाणगे। तो इस तरह करके ये जिहड़ी है बाकी 17 तरीक नूं मेन समागम दे विच अगला पूरा साल जिहड़ा असीं अगला वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 सालां नूं समर्पित होएगा, क्योंकि कोविड-19 करके असीं इह तैयारियां नहीं कर सके, वड्डे समागम नहीं हो सकते सी। इस करके 17 तरीक तो यह 100 साल शताब्दी की आरंभता होएगी और अगले साल नवंबर के 15 नवंबर में जाके समाप्ति होनी है। उदों वड्डे पद्धर ते जिहड़ा असीं 100 साल शताब्दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वह मनावांगे। इस तरह जो अजकल इशू चल रहा 328 सरूपां दा, देखो पावन सरूपां दी जिहड़ी है बड़े अफसोस की गल है कि जिहड़ी उत्थे घटना वापरी है ये अज तो 5 साल पहलां दी है 2015-16 दी, और जथेदार अवतार सिंह जी मक्कड़ उदों प्रधान सन अंत कमेटी सी उन्हां दे वेले दी ये सारी घटना उदों वापरी सी। लेकिन असीं फिर भी सारिया सिख संगतां ने सानू कहा कि निरपक्ष की जाँच कराई जाए, उहदे लई श्री अकाल तख्त साहिब नूं बेनती की गई और श्री अकाल तख्त साहिब ने डॉक्टर ईश्वर सिंह उह कमेटी नूं जिहड़ी आ उहनां तों सारी इहदी इनकुआरी उह करवाई है और वह इनकुआरी साडे कोल अकाल तख्त साहिब ने भेजी है और जिन्नियां भी सी जिहड़े भी दोषी पाए गए ने 16 दोषी वह इनकुआरी जिहड़ी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने की है उहदे च पाए गए सी। उन्हां ने यह गल अपनी इस इनकुआरी विच भी दसी है कि 328 जिहड़े सरूप ने ना ये कोई बेअदबी हुई है, ना ये कोई लापता हुए ने, ना कोई चोरी हुए ने, ये जिहड़े सरूप ने और जो साडे कर्मचारी सी और उन्होंने अपने लालच बस होकर जिहड़ी उन्हां दी भेटा सी अपने जेब दे विच पाई सी और अमानत विच खियानत की गई, रिकॉर्ड दे विच हेराफेरी की गई, ये सारा कुछ अपनी रिपोर्ट दे विच जिहड़ा है डॉक्टर ईश्वर सिंह ने लिखे है। सो मैं समझदा कि असीं बहुत सारे उन्होंने सजावां भी दित्तियां, कईयों नूं असीं मुअत्तल भी किया, कईयों नूं टर्मीनेट भी किया गया, जो भी बनती सजा सी वह जिहड़ी आ दित्ती गई। असीं आप भी साडी जिहड़ी पुरानी अंतर कमेटी सी अहुदेदार ते उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हां नूं तलब किया सी और उन्हां नूं सजावां भी दित्तियां गईयां, लेकिन साडी मौजूदा जिहड़ी सी असीं फिर भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते यह निशाना लगता सी, असीं आप जाके और खिमा जाचना जिहड़ियां मंगियां समुची संगत तों जो भी सानू सेवा लाई गई वह सारी अंतर कमेटी ने सारे अहुदेदारां ने जिहड़ी है वह सेवा कीती है तुहाडे सारी सामने है। लेकिन मैं एक दसना चाहुंना कि असीं अज एक फैसला कीता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन सरूपां दे लई जो भी एक हाई पावर कमेटी बनावांगे जिहदे विच कुछ साडे अधिकारी श्रोमणी कमेटी दे होणगे, बाकी असीं वख वख बाहरलियां जिहड़े जथेबंदियां ने जां जो संस्थावां ने साडियां सिख संस्थावां उन्हां तों कुछ बंदे लै के एक हाई पावर कमेटी बनावांगे और वह आप सारी जाँच करेगी इस मसले की, वह पब्लीकेशन विभाग के भी जाँच करेगी और रिकॉर्ड की जाँच भी करेगी कि कित्थे वह गए ने
और कितने के दिते गए ने कि संगत लगी वो सारी इस तरह की असं कमेटी बना जा रहे हैं ताकि पूरे विस्तार के निरपक्ष होकर जी सारी उतों का रिकॉर्ड देख के सारा वो जाँच करेगी। बिल्कुल थोड़ी गल जी गल की है वो सारा रिकॉर्ड साढ़े पब्लीकेशन विभाग च है। एक सू होर दसना चाहना कि डॉक्टर ईशन सिंह ने वह रिकॉर्ड को पूरा लेमीनेशन किया भी वो विच कोई हेराफेरी ना कर सके कोई बाध घट ना सके पूरा लेमीनेशन करके वो सारा रिकॉर्ड जिहड़ा साडा पब्लीकेशन विभाग के पूरा रख्या होया गा। जदों तुसीं सारे मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हो उहदा एक फैसला डॉक्टर ईशन सिंह जांच कमिशन का सी 7.5 करोड़ रुपया सतेंद्र सिंह कोहली एंड कंपनी को लिया जाएगा उहदी कार्रवाई कित्थों तक पहुँच। देखो असी जिहड़ा असी नोट्स उन्होंने लीगल नोट्स भेज चुके हैं तो वह नोट्स का उन्हें सानू जवाब देता है देना कि देता अजे आए नहीं। देखो, एक जनतक नहीं कीता। देखो मैं एक शंका है बिल्कुल मैं हिस्सा डेढ़ महीना हो गया नोट्स ये साड़ी एक जी कानूनी असी एक कमेटी बनाई सी साड़े जनरल सैकटरी ने एडवोकेट ने धामी साहब इन्हों की अगवाई में होर भी इन्हों एडवोकेट ले गए ने इन्होंने सारी वो की है ये देख रहे हैं सारे कानूनी प्रक्रिया सारा ये देख रहे हैं भी किस तरह केस करना किस तरह नहीं एदा से उन्हें पहला रिप्रेजेंटेटिव दी सानू असी जिहड़ा उन्होंने नोट्स है उस तो बाद भेजा उन्हें पहला अपनी सफाई दे सानू भेजे से कुछ अपनी रिप्रजेंटेशन के तौर के उत्ते पर असी जिहड़ा लीगल नोट्स उन्होंने बाद दे विच ओह सर्व किया बाद दे विच कानूनी कार्रवाई करांगे अदालत अदालत जावांगे अदालत जावांगे अदालत जाके कानूनी कार्रवाई जो जो कानूनी प्रक्रिया वो आरंभ ही हुई है असी सारा केस लड़ांगे अदालत जावांगे। जिहड़ी आपां कमेटी बनावांगे 16 दोषी ते डॉक्टर ईशर सिंह कमिशन ने ऐलान दित्ते ने नहीं नहीं वो नाल नहीं करनी गल तो जो दोषी पाते उन्होंने वो उत्ते सारा करेगी वो ये नहीं है भी कोई बखरे पूरा मंथन करूगी हाँ सारा कुछ ठीक है वह देखो तुम जो पैसे वापस लेने से इस करके सारा कानूनी कार्रवाई की गई है। दूसरिया जड़ियाँ असी धार्मिक गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपों नाल जुड़ी हुई मसला सी इस करके बहुत सारे सिख संस्थावां वालों बहुत सारे विद्वानों नूं सानूं इह गल कही गई भी ये तुसीं उत्थे ना लैके जाओ अपना अदालत विच नहीं इहदा कोई फैसला होना इस तरह सब तो वड्डी अदालत श्री अकाल तख्त साहिब है तो उत्थे लैके जाओ भी उत्थे ही फैसला होना चाहिए। उन्हें साड़ी जी असी कानूनी लड़ाई उन्हें वकील करके लड़ांगे जो उत्थे गए ने जवाब देवांगे सारी गलबात वो अज सगे गए हाँ असी साडा वकील वगैरह पेश होया कैबिनेट की एप्लीकेशन पाई सी उहदा नोट्स हो गया इंडियू कोर्स ऑफ लॉ वो लड़ाई पूरे बड़े पद्धर से लड़ी जाऊगी कोई इलेक्शन नहीं 2019 देखो सारी ये जो मसले ने कोई साडा ये नहीं है सांझे मसले ने सारे कोई कोई निजी मसला नहीं किसी का ये सारी पाबंद होने 2015 मैं और दसदा ये जी कमेटी बनाई है ना ये कोई जांच कमेटी नहीं बनाई हैगी असी ये मंथन कमेटी है भी ये सारा रिव्यू करूगी सारे मसले जिहड़ियां गलत फहमियां लोग लोहे पाई जांदे ने फलाने थां भीड़ चली गई आ हो गई वो सारा कुछ मंथन करेगी वो सारा कुछ देखी सारा ये मंथन करेगी।
हर चीज मंत्र करे पूरी इनकुआरी एक महीना ला के उन्होंने की है सारा उन्होंने अपनी इनकुआरी में गल की सारी रिपोर्ट जनत करती सारे रिपोर्ट अपनी जेब च पाए ने सारा कुछ लिखा डॉक्टर ईशर सिंह की रिपोर्ट भी कहती ऑडिट कराना उस कोली की हरेक अंतरिंग कमेटी जी है सर्विस वाधा करता रहा ठेके च वाधा करता रहा पिछले काम काज नहीं देखा गया सिर्फ उन्होंने जो सानू आदेश दिता उन्होंने सिर्फ यही कहा तो वापस कराए जाना रिकवरी कराई जाए रिकवरी का लाभ बढ़ता रिकवरी अस करा फाइनल रिपोर्ट से रिकवरी देखो देखो जजमेंट जजमेंट जी जजमेंट का कंकलूड पार्ट जो पढ़ना होता वो दस पे जो कंकलूड करके जितने जितने दोषी को गर्दाने अपने कोहली ब्रदर का जो निर्णय किया रिकवरी कर लेनी चाहिए समरी जी फैक्ट आ फैक्टा तो बाद जो जज कंकलूड करता आ सारी एविडेंस लिख के ओर जल्द कंकलूडिंग पार्ट है मैनू की होना चाहिए वो पढ़िया जाना चाहिए एज ए होल उन्हें पढ़नी चाहिए आदि फैक्ट आ फैक्टा तो आके फाइंडिंग दिता जे 100 पेज है तो आ गया अजे खुले ही रखे भी किन्ने मैंबर बनाने ने देखो जेले ए लीगल प्रोसेस आ कई बारी प्री जजमेंट अटैचमेंट असी करा लेने आ ये 7.5 करोड़ का अभी नोटिस दे सकता तो कोई नहीं जवाब है ये सिविल सूट जो फाइल किया जाऊगा फिर वो देखा जे सू इस गल का अंदेशा होगा वकील आप जी पैरवाई करे वो प्री जजमेंट अटैचमेंट से जो बनता वो करा बंदा जेड़ा प्रॉपर्टी बेच के दौड़ सकता जे सानू लगा लगेगा एप्रीहेंशन तो असीं जिहड़ा भी इंड्यू कोर्स ऑफ लॉ जिहड़ा सानू प्रोसैस अप्लाई करना पऊ असीं करांगे ठीक है चाहना को सिखा को सारा प्रबंध रहना चाहिए।